पूरी दुनिया के साथ देश को भी कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी से भारत में वैक्सीन आ सकती है। वहीं इसे लेकर तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। 14 दिसंबर को दिल्ली में वैक्सीनेशन से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों की एक दिन की ट्रेनिंग हुई। दिल्ली में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर सुनीला गर्ग को पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट नियुक्त किया गया। डॉक्टर सुनीला मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की डायरेक्टर हैं। वैक्सीन की ट्रेनिंग में क्या कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को सिखाया जाएगा, ये डॉक्टर सुनीला ने बताया। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग प्लान बनाया गया है जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। यहाँ पर इसमें हम उनको कोविड वैक्सीन के विषय में बताएंगे, ये वैक्सीन क्या है, किस तरीके का है और कैसे दिया जाना है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि ये वैक्सीन सेफ तरीके से दिया जाए, परंतु कोई एडवर्स इवेंट्स होते हैं उनको किस तरह से रिकॉर्ड करना है ये भी बताया जाएगा। साथ ही साथ हम जो भी वैक्सीन दिया जाएगा इसकी ना कि हम मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन करेंगे, परंतु इससे जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांतियां हैं इसके विषय में भी हम ट्रेनिंग के दौरान चर्चा करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के 609 कोविड चैन पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जिसमें दिल्ली के बड़े अस्पताल जैसे जीटीबी, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, एलएनजेपी, कस्तूरबा और बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल भी शामिल हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए राजधानी में करीब 3500 स्वास्थ्य कर्मियों को सिलेक्ट किया गया है। इनमें से 1800 कर्मचारी कोल्ड चेन पॉइंट पर तैनात रहेंगे। हर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पर टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी तैनात होंगे। सभी 3500 स्वास्थ्यकर्मियों में से करीब 600 स्वास्थ्यकर्मी प्राइवेट सेक्टर के होंगे। कोल्ड चेन फैसिलिटीज में हमारे डीप फ्रीजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉकिंग कूलर्स, वैक्सीन कैरियर्स, थर्मोकोल कैरियर्स जैसे इक्विपमेंट की जरूरत होती है और जो कि दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में है और जिसको हमने पहले से ही चिन्हित कर लिया है और हमने ये अंदाज लगाया है कि ये हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपको बता दें कि देश में वैक्सीनेशन के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली में लगभग 1,80,000 स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इनमें से करीब 1,00,000 स्वास्थ्य कर्मचारी सरकारी सेक्टर और बाकी 80,000 स्वास्थ्य कर्मी प्राइवेट सेक्टर के हैं।